नमस्ते फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे हुडा ब्यूटी के एक प्रोडक्ट के बारे में जिसका नाम है विशफुल का यो ग्लो स्क्रब। आपने इसके बारे में ऑलरेडी बहुत कुछ सुन रखा होगा, लेकिन इस वीडियो में आपको उससे हटके इन्फॉर्मेशन देना मैं चाहती हूँ जो शायद आपको ना पता हो। लेट्स स्टार्ट द वीडियो फ्रेंड्स। इसकी पैकेजिंग इस टाइप की आती है, ट्यूब फॉर्म में ये प्रोडक्ट आता है। जैसे कि नाम से ही पता चलता है ये एक एंजाइम स्क्रब है। एंजाइम स्क्रब क्या होता है? नेचुरल प्रोडक्ट से बनता है फ्रेंड्स, जैसे कि पपाया के एंजाइम्स हैं इसके अंदर, पाइनएप्पल के एंजाइम्स हैं, जो कि नेचुरल बीएचए और एएचए का काम करती हैं फॉर हेल्दी ग्लो आपकी स्किन को प्रोवाइड करने के लिए। फ्रेंड्स, इसको यूज करना तो आपको पता ही होगा, बट मैं एक और बार बता देती हूँ। आप क्या करोगे, थोड़ा सा प्रोडक्ट हाथ में लोगे, ठीक है? प्रोडक्ट लेने के बाद आपको उसे स्प्रेड कर देना है लाइक दिस। पूरे फेस पे हम स्क्रब, इस वाले स्क्रब को पूरे फेस पे हम लगा के 2 to 3 minutes छोड़ देंगे ऐसे लाइक दिस ओनली, ठीक है? उसके बाद आपको इसे रब करना है। देखिए, If you can see, कैसे एंजाइम्स निकल रहे हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स अगर आपको दिख रहा होगा, देखिए बहुत ही जेंटल होता है फ्रेंड्स स्किन पे। जैसे जो स्क्रब्स वगैरह होते हैं आप लोगों ने यूज किया होगा वॉलनट वगैरह का या फिर और कोई स्क्रब्स, वो जेंटल नहीं होते स्किन पे। ये देखिए बहुत जेंटल होता है। इसके बाद इसको वॉशअप कर लेना आपको, ठीक है फ्रेंड्स? अब इसके बारे में आपको मैं एक और बात बता देती हूँ, आपको इसको वीकली ही यूज करना है फ्रेंड्स। ये नहीं कि आप डेली में इसको यूज करना शुरू कर दें। वैसे भी फ्रेंड्स ये बहुत कॉस्टली आता है, जैसे कि आपको पता है 1850 का है इसका कॉस्ट, और इसको आपको वीक में वंस यूज करना है। और जिस दिन आप यूज करें इसको रिकमेंड करूंगी मैं फ्रेंड्स, रात में ही यूज करें, दिन में इसे यूज ना करें आप। और जैसे कि आपको पता है फेस पे डार्क स्पॉट्स की प्रॉब्लम आजकल कॉमन हो गई है, पिगमेंटेशन, मेलेज्मा, एक्ने, एक्ने मार्क्स आजकल सबको ही है ऑलमोस्ट फ्रेंड्स, तो उनको भी ये दूर करने में आपकी हेल्प करेगा, क्योंकि ये आपको डीपली एक्सफोलिएट कर रहा है आपकी स्किन को। जब हम डीपली एक्सफोलिएट करते हैं अपनी स्किन को तो हमारे नए सेल्स जल्दी जल्दी बनने लग जाते हैं, जो कि बहुत देर में बनते थे, 45 डेज में बनते हैं जब हमारी एज 32-35 हो जाती है, अगर आपको पता हो तो। न्यू बॉर्न की स्किन क्यों ग्लो करती है फ्रेंड्स? क्योंकि उनके जो सेल्स होते हैं वो 3 दिन में बनने लग जाते हैं, तो एक एंटी एजिंग इफेक्ट भी आपको देगा। और आपके क्लॉग्ड पोर्स होते हैं जिनकी वजह से एक्ने बढ़ते हैं, वो भी ओपन पोर्स की समस्या को भी आप ये ठीक करेगा, क्लॉग्ड पोर को भी ट्रीट करेगा, ठीक है? और वन मोर थिंग कि आपको सेंसिटिव हो जाती है फ्रेंड्स, इसको यूज करने के बाद थोड़ी सी स्किन सेंसिटिव हो जाती है, जैसे कि आपको पता है कि डीप एक्सफोलिएट कर रहा है हमारी स्किन को। इसके लिए आपको डेली में सनस्क्रीन तो वैसे भी मस्ट है, तो डेली में आप सनस्क्रीन बिल्कुल लगाना ना भूलें अगर आपको बेस्ट रिजल्ट चाहिए डार्क स्पॉट से, या फिर जो भी आपकी समस्या है फेस पे, थोड़े स्कार्स हैं, कुछ भी हैं, तो वो अगर आप जल्दी उनसे छुटकारा पाना चाहते हो तो आप सनस्क्रीन यूज करना बिल्कुल भी ना भूलें, स्पेशली एट डे टाइम्स। रात को तो वैसे भी जरूरत नहीं पड़ती फ्रेंड्स, ठीक है? इसको आपको रात में ही एक बार यूज करना है, और यूज करने के बाद आपको मॉइस्चराइजर लगा के सो जाना है, और कुछ मत लगाने की, एक्टिव तो बिल्कुल मत लगाना फ्रेंड्स। ये शायद इन्फॉर्मेशन आपको और किसी यूट्यूबर ने नहीं दी होगी, लेकिन रियलिटी ये है इसके साथ हम एक्टिव्स नहीं लगाते, क्योंकि अगर सपोज आपने एक्टिव्स यूज किए, एक्टिव्स लाइक नियासिनमाइड, विटामिन सी, लाइक एनी अदर, रेटिनॉल जो भी है, ठीक है, अल्फा आर्बिटिन, आपको कुछ यूज नहीं करना, जस्ट आपको स्क्रब करना है नाइट टाइम में, मॉइस्चराइजर यूज करना है एंड दैट्स इट। लेकिन अदर डेज पे आप नेक्स्ट डे आप यूज कर सकते हो। द ओनली डे जिस दिन आप इसको यूज करोगे, एक पर्टिकुलर डे आप डिसलेक्ट कर लोगे, उस दिन आपको और कोई एक्टिव यूज नहीं करना है अपनी स्किन पे।
अगर आप बेस्ट रिजल्ट चाहते हो फ्रेंड्स, आपकी जो डल स्किन होगी वो भी इम्प्रूव हो जाएगी, अनइवन स्किन टोन को भी सही करेगा ये। आप इसको ट्राई करिए और उसके बाद अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो लेट मी नो। जैसे किसी की फ्रेंड्स ड्राई स्किन होती है, सेंसिटिव स्किन होती है, उसके लिए भी, मेरी सेंसिटिव स्किन है, मुझे तो सूट हो गया, बट दे मस्ट डू पैच टेस्ट। एक बार पैच टेस्ट आप फिर भी जरूर कर लेना, क्योंकि ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है फ्रेंड्स। एक्सफोलिएंट बहुत जरूरी है एक हेल्दी ग्लो के लिए, और हेल्दी ग्लो तो फ्रेंड्स सभी को चाहिए, चाहे एज कितनी भी हो जाए। और जब हमारे न्यू सेल्स बनने शुरू हो जाते हैं फ्रेंड्स, तो ग्लो तो ऑब्वियसली आता ही है, क्योंकि डार्क स्पॉट्स भी कम हो जाते हैं। सो इफ यू वॉन्ट इवन टोन स्किन एंड ग्लो ऑन योर फेस, यू कैन ट्राई विशफुल का योर ग्लो एंजाइम स्क्रब। ओके फ्रेंड्स, हम इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो डेफिनेटली लेट मी नो इन कमेंट बॉक्स।